बेटा आज हम करेंगे मॉडल्स। मीनिंग ऑफ मॉडल इज़ मूड, मीन्स जो हमारे दिल में जो बात है, हमारा जिस तरह का मूड है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इन मॉडल्स वी टॉक अबाउट एडवाइस, विश, एबिलिटी, परमिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिज़ायर एक्सेट्रा। हम मॉडल्स में क्या, किस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी को एडवाइस देनी है, विश करनी है किसी के लिए, कोई हमारी जो एबिलिटी है, मेरे में जो क्षमता है उसके बारे में बताना है, परमिशन देनी है, तो उन सब के, ये सब जो चीज़ें हैं ये मॉडल्स में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी क्या है, क्षमता है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर दे हैव यूज्ड कैन। नाउ नेक्स्ट इज़ यू शुड स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर क्या है, वो एडवाइस कर रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। यहाँ दे हैव यूज्ड शुड, तो दीज टू वर्ड्स कैन एंड शुड दे आर शोइंग अस द मूड ऑफ द स्पीकर, कि वो किस मूड में या किस लहजे से वो बात कर रहा है। कि फर्स्ट सेंटेंस में था कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, वो मेरी एबिलिटी थी कि आप, वो आपकी एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम बोल सकते हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है। यू शुड स्पीक, ये तुम्हें एडवाइस किया गया है कि तुम्हारी ये, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है। नाउ मॉडल टेल अस रियल सेंस, अब मॉडल्स में क्या है, हमें एक सेंटेंस मैंने बोला यू स्पीक इंग्लिश, अब इसमें क्या है कि तुम इंग्लिश बोलते हो, अब यहाँ पर किसी सेंस नहीं कोई बन रही है कि हम क्या, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर दूँगी यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ क्या है, सेंटेंस का रियल सेंस पता लग रही है कि वो हमारी, उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। तो कुछ यूजेज हैं मॉडल, यूज़ ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मॉडल इज मे, व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन इन फॉर्मल मैनर और सीक परमिशन विद रिस्पेक्ट, जब हमने किसी से परमिशन लेनी है फॉर्मल मैनर में या किसी विद रिस्पेक्ट हमने लेनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, दो सेंटेंसेज इन्होंने लिए हैं, मे आई कम इन एंड मे आई आस्क अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, ही इज़ सीकिंग अ परमिशन टू आस्क समथिंग और टू एंटर समवेयर टू शो पॉसिबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि हमें, हम कहते हैं कि हाँ शायद लगता है कि आज बारिश होगी, तो दिस आर दी पॉसिबिलिटीज, चांसेस हैं कि हम कहते हैं कि आज हो सकता है, आज लगता है बारिश होगी। तो इसकी हम एग्जांपल दे हैव टेकन, ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, मे मतलब आ सकता, हो सकता है कि वो आज आए, मे बी ही इज़ राइट, शायद वो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मे से हमें शो हो रहा है कि वो पॉसिबिलिटी या चांसेस की बात कर रहे हैं। विश, ब्लेसिंग्स, जब हम किसी के लिए विश मांगते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तब भी हम मे यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मे गॉड ब्लेस यू और मे ही लिव लॉन्ग, तो दीज आर द टू एग्ज़ाम्पल्स ऑफ विश और ब्लेसिंग, यहाँ पर हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। यूज़ ऑफ कैन, कैन मीन्स कैपेबिलिटी, जब हम किसी की एबिलिटी या कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कैन यूज़ करते हैं। कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम ये सम सॉल्व कर सकती हो। यूज़ ऑफ कुड, अब कुड क्या है, वो कैन का पास्ट टेंस है, तो कुड हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम, मैं किसी टीचर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप विंडो खोल सकते हैं, अब ये उनकी मर्ज़ी है वो खोलें या ना खोलें। अब क्या है, एबिलिटी इन पास्ट, जब हमारे में कोई क्षमता, जब पास्ट मतलब कि हमारे जब कई बार रखते हैं, हम बोलते हैं कि बचपन में हम ये काम करते थे, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि बचपन में हम बहुत पढ़ते थे, बचपन में हम दूध पीते थे, तो ये उनकी एबिलिटी थी, वो बचपन में पुराने समय में क्या करते, पास्ट टेंस में वो क्या करते थे, तब हम कुड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल, जब मैं छोटा था तो मैं एक मील तक भाग सकता था, दौड़ सकता था, तो दिस इज़ माई एबिलिटी एंड वी हैव यूज हेयर कुड टू शो अवर एबिलिटी इन द पास्ट। इन रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच में हम कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ये क्या है, इसको अगर हमने रिपोर्टेड, इस सेंटेंस को अगर हमने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ही कुड सिंग अ सॉन्ग, कैन इज चेंज इन टू
could in reported speech. Next is we use of should and must. अब should और must जो है वो दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ को, एक ही मूड को शो करते हैं, बट क्या है इनको अलग अलग तरीके से यूज़ होता है. जैसे should जो है वो एडवाइस के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन उसमें क्या है वो कंपल्शन नहीं होती है कि वो सामने वाले की मर्ज़ी होती है कि वो उस बात को माने या ना माने. जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं. यू शुड गो होम नाउ, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, या अब ये उसकी मर्ज़ी है आगे वाले की कि उसने घर पे जाना है या नहीं जाना है. यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, अब ये आपको एडवाइज़ किया जाता है, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपने खाना खाते समय बातें नहीं करनी है. तो ये हम आपको एडवाइज़ करते हैं, अब मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको लगेगा कि ये बात सही है तो आप मान लोगे, अगर आपको लगेगा कि ये बात सही नहीं है तो आप नहीं मानोगे. लेकिन जब हम मस्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ क्या है वो बात कंपल्शन हो जाती है, वो आपके लिए कंपल्सरी हो जाती है कि वो काम आपको करना ही पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, अगर उसने गलती की है तो उसको उसकी माफ़ी मांगनी ही चाहिए, ये उसके लिए कंपल्शन है, उसको ये मांगनी ही पड़ेगी. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जब हम ड्यूटी, जब हम किसी ड्यूटी की बात करते हैं, जब हम किसी जिम्मेवारी की बात करते हैं, तब भी हम मस्ट यूज़ करते हैं. हिज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसकी मदर ठीक नहीं है तो तुम्हें उन्हें उसे जो है अपनी मदर की का ध्यान रखना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसको करना ही चाहिए. वैन वी गिव एडवाइस विद मोर स्ट्रेस वी यूज़ मस्ट, जब हम किसी को एडवाइस करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बात करते हैं तो हम मस्ट यूज़ करते हैं. वुड, पास्ट टेंस ऑफ विल, अब वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है. पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं या हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड यूज़ करते हैं. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय पीना पसंद करोगे, या वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करोगे, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, हम चाय का कप ऑफ़र कर रहे हैं, या उसको क्रिकेट खेलने के लिए हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कह लीजिए कि हम उसको एडवाइस कर रहे हैं, या हम ऑफ़र कर रहे हैं. पास्ट हैबिट, अब हम जब हमारी पुरानी जो हमारी आदत है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम वुड यूज़ करते हैं. When I was little, I would play hide and seek. जब मैं छोटी थी तो मैं क्या खेलती थी, hide and seek खेलती थी. Now unreal situation. Unreal situation वो होती है बेटा जब reality में कुछ ऐसा हो ना सकता हो लेकिन हम फिर भी उसको imagine करते हैं. सिर्फ हम imagine करते हैं, reality में ऐसा नहीं होता है. तो उसकी हम example we can take. We would go to Japan, but we are busy. ये उसने इमेजिन किया कि हम जापान चले जाते लेकिन हम बिज़ी हैं. ये रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि उनकी वो कंडीशंस नहीं थी, लेकिन वो क्या था, वो सिर्फ एक एज्यूम कर रहे थे कि हम चले जाते लेकिन क्या है वो बिज़ी हैं, ये बहाना था उनका. अब क्या है, इसको वुड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेड डैट शी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन, उसने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए स्मार्टफोन लेके आएगी. तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम वुड यूज़ करते हैं. तो दिस आर द मॉडल्स विच आई हैव डिस्कस सम ऑफ आई हैव डिस्कस विद यू. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू मोर मॉडल्स एंड आई विल शेयर यू द एक्सरसाइज इन योर ग्रुप एंड होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू बेटा.